नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 21 जुलाई। 21 जुलाई को आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो SSC सीजीएल का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में 21 जुलाई के आपके कौन कौन से GK GS के प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से अधिकतम रियल प्रश्न ही मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि मौलिक जो अधिकार है वो आपका कौन से भाग में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका भाग 3 में हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार चर्चा पहले भी कर चुका है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ये भी बात आपको मालूम रहना चाहिए। और आपका अनुच्छेद की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है आपका 12 से 35 अनुच्छेद में आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपका क्या है तो संबंधित है। वर्तमान में बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब आपका संविधान लागू हुआ था उस समय आपका मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जो कि दोस्तों आपका 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन आता है। और आ राइट टू संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है फ्रेंड्स उसको हटा दिया जाता है। उसको हटा कर आपका क्या बनाया जाता है तो कानूनी अधिकार बनाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 300 के ए में वहाँ पर रख दिया जाता है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में आता है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। एक है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। इसके अलावा है एक आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में आता है, जिसे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आपका संविधान का आत्मा भी इन्हें इस आर्टिकल को कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपका यानी आज मिला दे 6 दिन और कल मिला कल तक का बात करें तो 5 दिन, यानी कि SSC सीजीएल का एग्जाम अभी तक आपका 5 दिन हुआ है। पाँचों दिन में लगभग आपका 500 जो GK GS के प्रश्न जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो 500 GK GS के प्रश्न में से अधिक लगभग 450 प्रश्न जो कि मुझे मिल गए थे, तो उन सभी का मैंने एक कम्बाइंड PDF बना दिया है, जो कि दोस्तों आपको मिलता है पेड PDF में। ठीक है, तो अगर कम्बाइंड PDF अगर लेना चाहते हैं 500 प्रश्नों का, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी रिडायरेक्ट आप हो सकते हैं। ठीक है, तो पेड ये आपका पेड ग्रुप में दिया जाता है, पेड ग्रुप का एक शुल्क है ₹25 जो ऑनलाइन पे करना है। ठीक है, तो कम्बाइंड PDF आपको दे दिया जाएगा, साथ में साथ पूरे SSC एग्जाम पूरे SSC सीजीएल का आपका PDF दिया जाएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी फ्री PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम आज ग्रुप में डाल देते हैं, हर दिन डाला जाता है तो आज भी डाला जाएगा, लेकिन कम्बाइंड PDF लेना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा और एक मिनिमम शुल्क पे करना होगा, उसको बहुत ही तरीके से सजाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि करो या मरो का जो नारा है वो दोस्तों आपका किसने दिया था। ठीक है, तो करो या मरो का जो नारा है फ्रेंड्स वो आपका किसने दिया था, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी पूछा गया था। तो ये जो नारा है वो दोस्तों आपका दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, करो या नरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी ने ये करो या नरो मरो का जो नारा है कब दिया था, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसको याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि दोस्तों आपका 1942 में शुरू हुआ था 8 अगस्त को। ठीक है, इसके अलावा एक स्लोगन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर ये नारा आपसे पूछा जाए किसने दिया है तो ये दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या किसके स्थापना किए थे, तो होम रूल लीग की स्थापना आपके एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो दोस्तों आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया है, तो ये दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। तो कुछ आपके स्लोगन है यानी कि नारा है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी गांधी जी वाला जो नारा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, इसको थोड़ा सा आप माइंड पर जोर डाल के याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका पूछ चुका है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कब दिया था, तो 9 अगस्त दिया तो 8 अगस्त को था, लेकिन आपका 9 अगस्त 1942 से ये आपका जो नारा है पूरे देश में फैल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में जो बंजर जमीन होता है यानी कि बैरन लैंड उसको क्या बोलते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में जो बंजर जमीन था उसको दोस्तों बंजर ही बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन में भी आपका बंजर दिया ही गया था, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर
हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में या मुगल के शासनकाल में ज़मीन को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो टोटल 105 भागों में, सॉरी टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो भाग था वो दोस्तों आपका पोलस के नाम से जाना जाता था, जिस पर आपका प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा अगला जो ज़मीन है वो दोस्तों पड़ोती कहा जाता था, सब आपके ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। पड़ोती कहा जाता था जो कि दोस्तों आपका 2 वर्ष में एक और उसमें खेती की जाती थी। इसके अलावा एक भूमि आपका चाचर था जो कि 3 या 4 साल में एक बार खेती उस पर की जाती। अगला है दोस्तों आपका बंजर जो कि 5 या अधिक वर्षों में एक बार, यानी कि वो बंजर ज़मीन थी तो उसको आपका बंजर ही कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि गोदावरी नदी की ये सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में शायद आपका मोसी नदी या माही नदी दिया गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट ने एक आपका बताया कि ताप्ती दिया गया था, तो मान के चलते हैं कोई भी दिया गया होगा। हम लोग भी बात कर लेते हैं कि गोदावरी की सहायक नदी आखिर कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए अब गोदावरी नदी की पहले हम लोग बात करते हैं, तो ये तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये भी क्वेश्चन आपसे क्या हुआ है, बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये उत्पन्न कहाँ से होता है, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम है वो दोस्तों आपका होता है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र इसका उत्पन्न होता है, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर ये नदी बहती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें जो कि बाएं तट पर स्थित है, वो आपका पूर्णा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, और आपका सबरी नदी है, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, तो इसके अलावा बात करेंगे दाहिने तट की इसकी सहायक नदी का, तो आपका प्रवर नदी हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, और आपका मणिअर नदी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा परिंदा नदी की बात करेंगे, तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और गोदावरी को वृद्ध गंगा यानी कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। और कावेरी को क्या कहा जाता है, तो कावेरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी, तो ये दोस्तों आपका लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपका भारत में साइमन कमीशन आपका आया था, ठीक है, तो उस समय आपका इसका बहुत विरोध हुआ था, हर जगह पर हुआ था, विरोध भी हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन आया था भारत के लिए, भारत में कुछ आपका इसको करना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो बहुत सारे जगहों पर आपका इसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, और बहुत सारी जगहों पे साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जा रहा था, ठीक है। तो बम्बई में भी लगाया जा रहा था, बम्बई जब आपका ये पहुंचा था, पहली बात ये अगर पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपका 3 फरवरी 1928 को आया था बम्बई में। बम्बई पहुंचने पर लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए थे, और साइमन वापस जाओ के नारे हैं जो कि लगाए थे, ठीक है। तो उसी दौरान आंदोलन तो एक जगह होता नहीं है, जब भी आंदोलन होगा तो हर जगह जगह पर होता है, तो उस समय पंजाब में एक लाहौर, उस समय जो लाहौर था वो आपका पहले पंजाब में ही पड़ता था, तो लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया था, और इस दौरान इस सिर पर चोट लगने के कारण वो घायल हो गए थे, और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। इसके अलावा मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किया गया है, वो लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो इस स्लोगन को भी याद रख लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो वर्ड है, वो जो शब्द है, वो किसने कहा था, तो ये आपका लाला लाजपत राय जी ने ही कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है जो कि क्यों मनाते हैं, तो इसका भी आंसर हमने आपको पहले की वीडियो में बता चुका है कि 26 जनवरी को पहली बार तो आपका क्या हुआ था, 1950 की बात करेंगे तो 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन हमने आपको बताया था कि जब आपका 26 जनवरी 1949 को जब संविधान पूरा हो गया था, फिर भी इसको टाल मटोल कर रखा गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो लागू होने के पीछे का कारण था क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जो कि लाहौर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। इसके अलावा पहला जो गणतंत्र दिवस है, स्वाधीनता दिवस है, वो दोस्तों आपका 26 जनवरी को मनाया गया था झंडा फहराकर, इस कारण इस दिन को
फेमस करने के लिए, ठीक है, इस दिन को याद करने के लिए संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को फिर भी, ठीक है। इसके अलावा संविधान बनाने में जो समय लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि 2011-12 की गणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा डैश प्रतिमा तय की गई है। ऑप्शन में आपका 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका 1,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2011-12 में आपका जो शहरी क्षेत्र शहरी भारत में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा 1,000 रुपये प्रतिमा तय की गई थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे तो यही राशि आपका 816 रुपये निर्धारित की गई थी। इसके अलावा 2011-12 में गरीबों की संख्या की बात करेंगे तो 26.92 करोड़ रुपये था, ठीक है, 26.92 करोड़ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की जो सिफारिश करता है वो कौन करता है, तो ये दोस्तों आपका वित्त आयोग का जो गठन करता है या सिफारिश करता है वो दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम लोग देखें तो वित्त आयोग के बारे में, तो वित्त आयोग का जो आपका जो गठन है वो आपका संविधान 280 के अनुसार होता है और उसी में यह प्रावधान किया गया है, उसी में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पहले या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो दोस्तों आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके जो अध्यक्ष हैं आपके इनके सिंह इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जून और सितंबर में जो वर्षा होती है वो दोस्तों आपका किस कारण होती है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जून और सितंबर में आपका अधिक वर्षा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसे ये दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप की प्राथमिक वर्षा ऋतु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पारा जो बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों आपका बहरीन में हुआ था, ठीक है, तो बहरीन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत ने इस टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीता था, 8 रजत और 12 कांस्य पदक सहित 23 पदक अपने नाम किया था और प्रमोद भगत ने पुरुष एकल में SL3 स्वर्ण में स्वर्ण जीता था। ये भी कल पूछा गया था आपसे शायद कि 3 स्वर्ण बैडमिंटन में 3 स्वर्ण किसने जीता था, उसका राइट आंसर आपका प्रमोद भगत था, ठीक है। इसके अलावा बहरीन की राजधानी की बात करेंगे तो अलमनमा बहरीन की राजधानी है, इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा बहरीन दिनार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्रावस्ती है वो आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो श्रावस्ती है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में स्थित है, पहले भी आपका उत्तर प्रदेश में ही था। इसके अलावा श्रावस्ती आपका 16 महाजनपदों में एक जनपद आपका श्रावस्ती भी था, जिसकी राजधानी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका इसकी राजधानी आपका कौशल राज की दूसरी राजधानी थी, ठीक है। श्रावस्ती खुद एक राजधानी थी, किसकी, तो कौशल की राजधानी थी, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि नेम ए पर्सन हु गोट पद्म अवार्ड और मेकिंग ट्वाइस, ठीक है, तो खिलौने बनाने के लिए जो पद्म अवार्ड है वो किन्हें दिया गया था, ये पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सीवी राजू, ठीक है, सीवी राजू को पुरस्कार दिया गया था, पद्म पुरस्कार किस लिए, तो 80 कोपा का खिलौना शिल्प के सम्मान के लिए इनको ऊपर जो पद्मश्री अवार्ड है वो आपका दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट द फ्लोइंग, ठीक है, तो उत्तर दक्षिण का जो दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण का गलियारा है जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 4076 किलोमीटर लंबी सड़क को जोड़ता है, तो आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन सुपरहाईवे का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के मेगा शहरों के बीच समय और दूरी को कम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा कार्यान्वित है, जो कि किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्तक का जो नियम है वो आपका किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 1865 में आपका अस्तक का जो नियम है दिया गया था। ये जो नियम है रसायन मतलब जो रसायन विज्ञान विज्ञानिक थे जे
AR के द्वारा बनाया गया था 1865 में। न्यूलैंड ने कहा कि यदि रासायनिक तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व 7 तत्वों के प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। तो आपका ईयर पूछा गया था 1865 हो जाएगा। इसके अलावा एक वाट्सल्य इन विच स्टेट इस प्रकार करके कोई पूछा गया था, वाट्सल्य या जगह का नाम पूछा गया था या क्या पूछा गया था, इसका अनुमान अभी तक नहीं लग पाया है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाट्सल्य से संबंधित जो आपका प्रश्न है वो आपका क्या देखने को मिला था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कोई बिल दिया गया था, देयर इज ए बिल इन 2021 विच अलाउड टू मैरी इफ द एज इज 21+। ठीक है, तो ये बिल है दोस्तों आपका बाल विवाह निषेध संशोधन बिल आपका लाया गया था 2021 में। महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है जो कि किया गया था, जबकि पुरुष के लिए जो ये उम्र है वो आपका 21 साल ही था। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया गया था पंजाब वर्सेस किसके, हरियाणा वर्सेस, इस प्रकार करके कोई ऑप्शन दिया गया था। अगर आपका इसका आंसर मालूम है या क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा मालूम है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इसको आंसर ज़रूर आपको लोग बताने का प्रयास है जो कि कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था छऊ नृत्य से संबंधित, छऊ नृत्य से संबंधित पूछा गया था, इसका भी आपका अनुमान नहीं लग पाया है कि छऊ नृत्य से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था। हम मान के चलते हैं कि छऊ नृत्य का आपका शैली पूछा गया होगा कि छऊ जो नृत्य है उसमें टोटल कितनी शैलियाँ हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपका 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करके दिया गया था। अगर मेरा अनुमान सही है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग पहले छऊ नृत्य की बात कर लेते हैं। छऊ जो नृत्य है वो दोस्तों आपका 3 शैलियाँ में पाया जाता है। पहला तो आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ठीक है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा के मयूरभंज छऊ। ठीक है, इन 3 शैलियों में आपका जो नव छऊ नृत्य है वो आपका पाया जाता है। छऊ नृत्य के बारे में एक फैक्ट्स और दे दें तो ये से भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, उसके द्वारा छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन संगीत नाटक एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा भारत में 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि आप लोग बार बार पढ़ते हैं वही है, लेकिन भारत का संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कहेगा तो छऊ नृत्य को भी जोड़ा गया है और संख्या है जो कि 9 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू भारत का संस्कृति मंत्रालय, ना कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये प्रश्न आपका ना अभी तक बना है, बाद में हो सके तो बनेगा। अभी आपका 8 ही आता है जो कि संगीत नाटक एकेडमी वाला आता है, तो इसको ही आपको याद रखिएगा। एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका भरतनाट्यम हो जाता है जो कि आपका तमिलनाडु का है, उसी के आसपास एक आपका कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद एक आपका मोहिनीअट्टम है, एक आपका कथकली है जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है तो केरल का है, एक दोस्तों आपका सतरिया जो हो जाता है वो आपका असम का हो जाता है, एक आपका जो कथक है वो दोस्तों आपका यूपी का हो जाता है। तो राज्यों से संबंधित आपको याद रखना है मणिपुरी जो कि मणिपुर का, ओडिसी जो कि आपका उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपका अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी एंड अकॉर्डिंग टू संस्कृति मंत्रालय 9 हो जाएगा, एक आपका छऊ भी उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका आज के कुछ प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे गए थे जो कि 100% रियल ही हैं। ठीक है, बाकी इसका PDF टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी और भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग शामिल कर देंगे, हमने तो लगभग सभी प्रश्न जो कि डिस्कस कर लिया है। बाकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं 500 प्रश्नों का, आज का PDF आपको मिलेगा, आज का क्या पूरे SSC CGL एग्जाम का मिलेगा, तो व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, बाद बाकी और भी जो जानकारी होंगी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का कोई भी एग्जाम का एनालिसिस हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।